सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में ना। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना डेफिनेट वाला याद रहना चाहिए ना। देखो एक्स प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर, कैन यू सी दैट? आपको क्या कॉमन लेना है यहाँ से? माइनस कॉमन लेना, बिकॉज यू नो दैट द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? नाउ वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स का कॉफिशियंट क्या है यहाँ पे? वन, नंबर वाला, माइनस नहीं रहना है, सिर्फ वन। वन का हाफ करेंगे, डू यू नो दैट? कंप्लीट इन द स्क्वायर लगाएंगे अपन, ये लगाया और माइनस का फोर। यहाँ तक भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आई इक्वल्स टू, और लिमिट लगा दो जीरो से टू, जीरो से टू, जीरो से टू, वन अपॉन माइनस। कैन वी से दैट दिस बिकम एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सर इसको रफली करो, ये हुआ माइनस वन बाय फोर माइनस फोर माइनस सेवनटीन बाय फोर, हुआ माइनस सेवनटीन बाय फोर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं भाई। माइनस वन बाय फोर ना, वन बाय फोर और फोर को एलसीएम लिया तो माइनस सेवनटीन बाय फोर आ गया ना गाइस। आई डोंट थिंक सो, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ मैं, बहुत ईजी। माइनस को अंदर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? जीरो से टू, वन अपॉन सेवनटीन अपॉन फोर। पर इसको लिख सकता हूँ मैं, आई थिंक सबको पता चल रहा है। इतनी स्टेप तो अपन खा सकते हैं ताकि बोर्ड में अपना टाइम बचे। यहाँ तक भी कोई डाउट किसी को? माइनस मान लिया तो ये चीज़ यहाँ और ये चीज़ वहाँ चली जाएगी, प्लस इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने रूट सेवनटीन अपॉन टू का होल स्क्वायर। नाउ सी, कैन यू टेल मी गाइस किसका फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? किसका फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये किसका फॉर्मूला है? वन अपॉन टू ए लॉग एक्स, मैंने लिखी तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। कुछ कुछ लोगों को पता है ट्रिक कैसे लगाई है अपने यहाँ पे, पता है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक डन। अब ए है मेरा रूट सेवनटीन बाय टू, एक्स है मेरा एक्स माइनस हाफ, ठीक है ना। क्वेश्चन लेंदी है गाइस, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन बस लेंदी है। सो आई इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू क्या करना है यहाँ पे हम लोग? वन अपॉन टू ए, ए है सेवनटीन रूट सेवनटीन बाय टू, कोई दिक्कत नहीं। लॉग ए कितना है अपना? रूट सेवनटीन अपॉन टू प्लस एक्स, एक्स मेरा है एक्स माइनस हाफ अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब रूट सेवनटीन अपॉन टू माइनस, देखना ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस हाफ और इंटीग्रेशन हो चुका है तो लिमिट लग जाएगी जीरो से लेकर टू तक। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन काम कर लिया। अच्छा बच्चों एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, एक चीज़, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक फंडा क्लियर? अरे इतना तो डायरेक्ट करेंगे ना यार, वरना इस चीज़ को दोबारा लिखना पड़ेगा और मेरा टाइम वेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो हाफ से हाफ गॉन, वन अपॉन रूट सेवनटीन। नाउ पुट करो, या बाद में पुट करो, थोड़ा सॉल्व कर लें अपन। इधर आओ, जरा देखो बच्चों, जरा देखना, वी विल टेक एलसीएम गाइस, वी विल टेक एलसीएम। सब लोग रेडी हैं यहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए? रूट सेवनटीन प्लस टू एक्स माइनस वन अपॉन, यहाँ पे भी रूट सेवनटीन माइनस टू एक्स प्लस वन, और ये मैंने यहाँ से बंद कर दिया और ये जीरो से टू लगा दिया। कैन यू सी दैट गाइस? कैन यू सी दैट? अरे हाफ यहाँ पे टू एलसीएम आया तो वो जो टू आएगा यहाँ पे भी टू आएगा, वो टू से टू कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे टू एक्स चला गया। यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए बच्चों, ट्वेल्थ के बच्चे हैं हम लोग। लॉग, अब लिमिट पुट करते हैं। नाउ सी, जब टू रखा तो टू टू जा फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो क्या आया? रूट सेवनटीन माइनस थ्री, ठीक है, प्लस थ्री, ठीक है। नीचे रखो यहाँ पे रूट सेवनटीन माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, फिर देन एक साइन आएगा माइनस का, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन आएगा। जरा जीरो रखो, जीरो रखा तो यहाँ पे आया रूट सेवनटीन माइनस वन अपॉन रूट सेवनटीन प्लस वन, ये मेरा ब्रैकेट क्लोज, ये लिमिट रखते हैं देन माइनस साइन और ये पूरा रखा। यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन चल रहे हैं अपन ना। अब क्या करें अपन, अब क्या करें? नाउ सी,
वी नो दैट लॉग एम अपॉन लॉग एन होता है. वी नो दैट लॉग एम अपॉन लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन को क्या लिखते हैं अपन, आई इक्वल्स टू वन अपॉन रूट 17. तो ये होगा लॉग एम अपॉन एन. जरा सुनना, 17 प्लस 3 अपॉन रूट 17 माइनस 3 इंटू, ये अपॉन में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 17 प्लस 1 अपॉन रूट 17 माइनस 1. क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चों? दिस लॉग एम अपॉन ये पूरी नीचे आएगी, तो ये नीचे आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो प्लस वाला ऊपर वाला नीचे वाला गिरा जाएगा. यहाँ तक समझ में आया? कैलकुलेशन पार्ट समझ में आना चाहिए बच्चों यहाँ पे. तो सो आई इक्वल्स टू वन अपॉन रूट 17 लॉ, जरा इनको मल्टीप्लाई करो, 17 17 हो जाएगा, ये रूट 17 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रूट 17 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इधर करो मल्टीप्लाई, रूट 17 रूट 17 माइनस रूट 17 माइनस 3 रूट 17 और प्लस 3. कैन यू गाइज ऑल डू द कैलकुलेशन? कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है यहाँ तक, बिंदास. नाउ आई इक्वल्स टू वन अपॉन रूट 17 लॉग 17 प्लस 3 20, 4 रूट 17. यहाँ तक भी क्लियर? यहाँ पे 20 माइनस 4 रूट 17. यहाँ तक भी क्लियर? डन, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा थोड़ा और देखो, ऊपर वाले पार्ट से 4 कॉमन आ रहा है, नीचे वाले पार्ट से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आई कैन से दैट आई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17. क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस? सो गाइस यू कैन से दैट दिस इज द फाइनल आंसर. यस, दिस कैन बी द फाइनल आंसर. अगर मैं बोर्ड में क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो 100% श्योर मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे. बट स्टिल अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पीछे से आंसर मैच कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो वो करा देते हैं. वो कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे अंदर की साइड रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन, ठीक है यहाँ पे. सो वो भी कर लेते हैं अपन, ऐसी बात नहीं है. चलो तो रैशनलाइजेशन जब मैंने किया है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो सो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 माइनस रूट 17 इंटू 5 प्लस रूट 17 एंड अपॉन 5 प्लस रूट 17. यहाँ तक भी क्लियर? सो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 17, ये बन गया 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बोर्ड में चाहूँ तो इस स्टेप को स्किप कर सकता हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेशन वाले मोड पे आ सकते हैं अपन, ठीक है. आई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग 25 प्लस 17 माइनस और प्लस हो जाएगा 10 रूट 17 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी. हाँ, 25 माइनस 17. सो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग, ये कितना हो गया, 25 12 42 प्लस 10 रूट 17. यहाँ तक फंडा क्लियर? पक्का डन? चलो और ये कितना माइनस कितना आया, कितना आया 17 और ये 3 और 8, नीचे आया 8. थोड़ा सा कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा 2 कॉमन ले लिया आपने अगर यहाँ पे, तो लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 अपॉन 4. क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अगर मुझे पीछे से आंसर मैच करना है, अरे ऊपर से 2 कॉमन लिया, ठीक है ना, और 21 प्लस 5 और अपॉन कट कुटा के 4 आ गया. सो गाइस यहाँ तक फंडा क्लियर? कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने, बहुत सिंपल वे में किया, बहुत सिंपल सिंपल. ये हमको आता था बचपन से आता है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ से लगाया फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन इट्स ऑल अबाउट कंक्लूजन. हाँ बोर्ड में चाहो तो यहाँ तक करो, स्टिल सम स्टूडेंट्स वांट मी टू सॉल्व यहाँ तक, तो यहाँ तक कर लेंगे. क्लियर गाइस?
परफेक्ट. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो नाउ 17 के बारे में बात करते हैं. अगेन एन इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सब काम पहले कर चुके हैं. मज़ा तो आएगा 7.11 में जहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगी गाइस. उस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से और अराउंड 3 to 4 times देखना जरूर, ठीक है. यहाँ पे काफ़ी शानदार लेवल है उस एक्सरसाइज का, ठीक है. नाउ आ गए यहाँ पे. नाउ दिस इज़ वेरी इजी कि आपको पता है कि करना क्या है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा यहाँ पे. नाउ यार एक्स का के पास में 2 है, उसका हाफ मतलब 1. हालांकि मैं एक और तरीका था उसे कर सकता था इजी वे में, बट जो मैं सिखाता हूँ वही मेथड को फॉलो करें ज़्यादा अच्छा रहेगा अपन को. ये बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आएगा -1 + 5 = 4 डॉट डी एक्स. अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 5 को 1 + 4, हाँ कर लो, बात एक ही है, डजेंट मैटर, ठीक है. यहाँ पे प्लस 4 डन, क्लियर. सो नाउ कैन आई से दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स. यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है. नाउ यू नो दो किसका लग रहा है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स, क्लियर. ये आएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, बट हमको यहाँ पे तो सी लगाना नहीं है. नाउ आई इक्वल्स टू 1 अपॉन ए कितना है 2, तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स कितना है एक्स प्लस 1 अपॉन 2 देन माइनस 1 से 1. यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, आराम से चल रहा है अपना काम. अब देखो ये तो कॉन्स्टेंट था 1 अपॉन 2, उसको बाहर रखा, अंदर क्यों ले जाऊँ फालतू में, कॉन्स्टेंट को अपन बाहर ले सकते हैं. सो आई इक्वल्स टू हाफ 1 जब रखा, अब देखो थोड़ा काम वर्बली करो ना, 1 जब रखा 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 1, ठीक है. यहाँ पे सो टेन इनवर्स 1 माइनस, जब माइनस 1 रखा 1 प्लस और माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 अपॉन 2 0, तो टेन इनवर्स 0. टेन इनवर्स 0 कब होता है सर, 0 पे होता है. आप भी क्या पूछ रहे हो, है कि नहीं, सही बात है, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ. आता होगा हाफ टेन इनवर्स 1, 1 कब आता है टेन इनवर्स में, पाई बाय 4, ठीक है ना. यहाँ पे कितना आया बच्चा, पाई बाय 4. सो ओवरऑल योर आंसर इज पाई बाय 8. क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से स्मूथली काम कर पाए, श्योर. चलें अपना के पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन पर, 8 के बारे में. अच्छा ई की पावर 2x है, ध्यान रखना जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको पता है, उनके मन में आया हुआ ई की पावर x वाला fx प्लस f'x वाला वो नहीं लगेगा. वहाँ पे ई की पावर x था, यहाँ पे ई की पावर 2x है, ठीक है. यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ठीक है. और टी लेने से भी काम कुछ हो नहीं रहा है अपना. सो गाइस प्लीज टेक केयर और शांति रखें. जरा देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन यहाँ पे. ना देखो आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 2, इसको मिडला करें यहाँ पे और इसको भी मिडला करें, मतलब वो तो भटे आएगा ही वहाँ पे. तो 1 upon x e की पावर 2x minus 1 by 2 e की पावर 2x upon 2x square dot dx. क्या यहाँ तक कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं है ना. देखो जरा देखो बच्चों यहाँ लग रहा है आई लेटर, क्वेश्चन का एक स्टाइल है, फॉर्मेट है. जरा देखो क्या फॉर्मूला, u इंटू वी डॉट डी एक्स. रुको रुको शांति रखो, जरा देखो 2 मिनट रुको. आदि तुमको फॉर्मूला याद है ना. देखो बच्चों वी नो आई लेट एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है, एलजेब्रा पहले आ रहा है. 1 upon x is what? एलजेब्रा, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा. तो मैं आइलेट रूल यहाँ अप्लाई करूँगा और यहाँ अप्लाई नहीं करूँगा. अब सर हमको कैसे पता लगेगा, बस प्रैक्टिस, क्वेश्चन करो 2 बार करो 3 बार करो एंड यू विल गेट टू नो कि यार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे नाउ प्रैक्टिस, सिर्फ खेल प्रैक्टिस का और कुछ भी नहीं है. नाउ देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. u तो 1 upon x है, इसका e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x अपॉन 2, यू गॉट माई पॉइंट. e की पावर ax तो वो a नीचे आता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है 1 से लेके 2 तक, माइनस u माने 1 upon x. 1 upon x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या होता है बच्चों, -1 upon x square. 1 upon x का डिफरेंशिएशन आपको आता है, क्या होता है, -1 upon x square. अपने काफ़ी टाइम डिस्कस किया है यहाँ पे, v e की पावर 2x अपॉन 2 क्लियर डॉट dx, ठीक है. ये माइनस वाला काम एज इट इज़,
इसको मैंने छेड़ ही नहीं रहा हूं मैं, इसको अपन ने एज इट इज रखा है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन है यहाँ पे। और ठीक है डन, ये वन से लेके टू तक जरा ध्यान से देखना, e की पावर 2x अपॉन इस 2 को तो मैंने बाहर रखा है, माइनस माइनस प्लस पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर डॉट dx। और तो चमत्कार देखना, चमत्कार, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया है, याद है आपको, किस किस को याद आ रहा है? तो ये और ये एज इट इज देखो कट गया, ये पैटर्न अपन ने क्वेश्चन ने किया हुआ है इस एक्सरसाइज के, जहाँ पे अपने प्रॉपर्टी सीखी थी वहाँ पे इस पैटर्न का एक क्वेश्चन अपन ने किया था, ठीक है यहाँ पे। सो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। सो बचा क्या है, एटलास्ट ये बचा हाफ टू रखो, e की पावर 4 है अपॉन 2 माइनस 1 रखा तो e की पावर 2 अपॉन 1 डजंट मैटर। सो गाइस चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो कॉमन ले लो, तो e का स्क्वायर कॉमन लिया अपॉन 2 e का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, ऐसे करो या वैसे करो या एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो e स्क्वायर अपॉन 2 e स्क्वायर माइनस 2 फाइनली e स्क्वायर e का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4 2 2 जा 4। क्लियर गाइस, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है, इट्स योर चॉइस, यहाँ रोको यहाँ रोको, क्वेश्चन यहाँ रख दो, क्वेश्चन यहाँ रख दो, इट्स योर चॉइस, मार्क्स नहीं कटेगा ठीक है यहाँ पे। बट इस क्वेश्चन खास बात दिख रहे हो आप, इसको रोकना था और इसका इंटीग्रेशन करना था, ये क्वेश्चन अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है ठीक है ना, जहाँ पे अपन ने ये मेथड सीखा था उस एक्सरसाइज के अंदर। सो गाइस फंडा क्लियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 3 से 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस करें, देन यू गेट टू नो कि भाई क्वेश्चन कैसे होगा। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th के बारे में, काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन ये वाला है ना, बहुत शानदार है, क्यों, क्योंकि इसमें बचपन की 9th क्लास की या 8th क्लास की प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे ठीक है। नाउ जरा देखना बच्चों कैसे करते हैं इसको अपन। नाउ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स एक्स वन एक्स क्यूब अपन एक्स पावर 4 को पावर 1/3 एंड 1 से लेके 1/3 से 1 ठीक है, याद है ठीक है। अच्छा पहले मुझे कुछ कंसेप्ट क्लियर करना बचपन के, बचपन की ही कैन यू टेल मी ए और बी की पावर होल एन होगी और ये अलग होगा तो कि पावर लेके जाएगा, क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? यस और नो? वेरी एग्री। अच्छा दूसरी एक और चीज़, अगर a माइनस बी है और मैं a कॉमन निकालता हूँ तो 1 माइनस बी बाय होगा, क्यों सर यहाँ तो a है ही नहीं तो इसलिए मैंने नीचे a ले आया, क्या इस बात से भी आप लोग एग्री हैं? कोई मसला, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिंदास चल रहे हैं अपन यहाँ पे। नाउ क्या होगा यहाँ पे, क्या देखो मैं कोई रेडी कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए, अगर मैं इस वाले के अंदर अगर x क्यूब कॉमन निकालता हूँ तो ये होगा x अपॉन x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, क्या कोई मसला किसी को? होल पावर 1/3 तो ये रहा, इसके अंदर से मैंने x क्यूब निकाल लिया तो यहाँ 1 x अपॉन x क्यूब, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 डॉट dx, क्या यहाँ तक सब लोग एग्री हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का श्योर ना? पक्का, यहाँ पे तो लगाया मैंने भी ये वाला, अब लगाऊंगा ये वाली प्रॉपर्टी, तो अब ये इनसे ये चीज़ अब अलग होगी तो पावर लेके जाएगा ये भी और ये भी, यस और नो? क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका यही प्रोसेस है गाइस, तो ध्यान से देखना आप लोग। तो ये दोनों पावर लेके सेपरेट होंगे, जैसे कि ये दोनों अलग अलग हुए विद कॉमन पावर, विद कॉमन पावर तो अलग हुए, तो विद ऐसे दोनों साथ अलग हुए तो ये भी अलग होंगे बच्चों। कैसे अलग होंगे जरा देखो, x की पावर क्यूब की पावर 1/3 और ये काटो काटे करो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3, क्या कोई दिक्कत है किसी को? जरा मुझे यहां तक बताओ, नहीं सुन में तो आपस में पीछे रिवाइंड करें, वापस देखें, रिवाइंड करें वापस देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या फंडा समझ आया? वो दो चीज़ लगाई मैंने दोनों, इस पर तो अपन बहुत डिस्कस करते हैं और इस पर तो बचपन से करते आ रहे हैं। सो ये कैंसिल आउट हुआ तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी एक्स की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4, क्लियर? शटाक शटाक, तो ये आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब
डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है? बिंदास श्योर परफेक्ट। अब ना देखो, मैं लूँगा टी वन अपन एक्स स्क्वायर को, या फिर साथ में कॉन्स्टेंट, तो वन अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन ले लेते हैं अपन टी। तो लेट वन अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन को अपन टी माना। सो गाइस, अब बच्चा बच्चा जानता है कि वन अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस टू अपन एक्स क्यूब। मैंने बहुत अपने डिफरेंशिएशन के सेक्शन में मैंने आपको बहुत सारी ट्रिकें सिखाई इसके ऊपर। जो लोग इनिशियली से मेरे वीडियो फॉलो करते हैं प्रॉपर वे में, सो गाइस अपन ने बहुत डिस्कस किया, फिर भी सिखा देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस टू, फिर माइनस टू आ गया एक्स पावर माइनस टू माइनस वन, तो दिस विल बिकम माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? ऐसे हम लोग कर सकते हैं, परफेक्ट। सो डी एक्स वन अपॉन एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, माइनस टू को पूरा इधर नीचे भेजें तो माइनस डी टी अपॉन टू होगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब अपन इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू, ठीक है, इसको क्या माना हम लोग, टी माना, तो टी की पावर वन थर्ड हो गया। जरा देखो डी एक्स बाय डी थ्री, डी एक्स बाय एक्स क्यूब, ये रहा डी एक्स बाय एक्स क्यूब, ये तुम्हारा क्या आएगा? माइनस हाफ डी टी। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई मसला तो नहीं है, आराम से काम हो रहा है, आराम से। अब सर अगर आपने सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया है देन डेफिनेटली यू विल चेंज द लिमिट ऑल्सो। यस, अपन लिमिट चेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये मन में आना चाहिए सवाल। चलो तो लिमिट की बात करी अगर अपन ने, चलो तो लिमिट चल रही है वन बाय थ्री से वन, तो जब एक्स इक्व टू वन बाय थ्री हुआ तो यहाँ पर वन बाय थ्री रहेंगे। अब वन बाय थ्री का स्क्वायर वन बाय नाइन, वन बाय नाइन माइनस वन इक्व टू टी, ये नाइन ऊपर जाएगा तो नाइन माइनस इक्व टी, तो एट इक्व टू टी इक्व टू एट, तो यहाँ पे आ जाएगा एट, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपर लिमिट वन है, क्या बोला, ये जब वन है तो वन अपन वन, वन माइनस वन इक्व टू, सो टी इक्व टू जीरो, तो ऊपर आया जीरो, तो मैंने लिमिट भी बदली। ये मत भूलना आप, ध्यान रखना। सो अपन यहाँ गए माइनस हाफ, जरा टी एक्स पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, तो कितना आया टी की पावर फोर बाय थ्री अपॉन फोर बाय थ्री, एट से लेके जीरो तक, डन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फोर टू जाए एट और ये थ्री जाएगा थर्ड ऊपर, तो आई इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन एट, ठीक है ना, पक्का? तो टी की पावर फोर बाय थ्री, नाउ वी विल पुट द लिमिट, तो एट से लेके जीरो जीरो तक, ठीक है, डन, इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का ध्यान रखना, माइनस थ्री बाय एट, जब जीरो रखा तो जीरो बाय फोर बाय थ्री जीरो, माइनस एट की पावर फोर बाय थ्री, डन। अब आई नो कई बच्चों को प्रॉब्लम आता है, क्या आता है, एट की पावर फोर बाय थ्री कैसे खोलते हैं? एट हो गया टू का क्यूब की पावर फोर बाय थ्री, थ्री से थ्री कौन टू का फोर, कितना आया बच्चा, कितना आया 16 आया, क्लियर हुआ? नाउ माइनस थ्री बाई एट इंटू माइनस का 16, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, एट टू या 16 और टू थ्री जा 6, आंसर आया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाइस, ऑप्शन ए, क्लियर गाइस, डन, परफेक्ट। क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इजी क्वेश्चन ना, चाहता क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो से एक्स टी साइन टी डॉट डी एक्स देन एफ डैश एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स निकालना है, ओके, पर पहले मुझे एफ एक्स सही होगा ना, चलो तो यहाँ से अपन एफ एक्स निकालते हैं गाइस। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले इंटीग्रेट करना है, देन डिफ्रेंशिएट। नो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लग रहा है आई ले टू लग रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दैट, तो आई एल ए टी ई, तो टी माने एलजेब्रा और साइन ट्रिग्नोमेट्री, तो ये यू, सो टी यू होगा, अरे एक्स को ठेका तो नहीं लिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे डी टी है, सो एक्स को ठेका तो लिया नहीं है यहाँ पे, पूरी इक्वेशन टी के फॉर्म में, टी मेरा एलजेब्रा हो गया, तो टी हो गया यू। नाउ गाइस यू नो द फॉर्मूला, अपन चलते हैं अपन आगे, यू बैठा मतलब टी, साइन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है,
फिर देन अब जीरो से एक्स गाइस, जीरो से एक्स ठीक है, परफेक्ट, जीरो से एक्स, टी का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी माने वन, साइन का हो जाएगा माइनस का साइन टी डॉट डी एक्स, यहाँ तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देन डी टी, नाउ माइनस को बाहर भेजा मैंने, टी कॉस टी एक्स और ज़ीरो, माइनस माइनस हुआ प्लस, ठीक है साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉस हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना कॉस टी प्लस हो गया, देन कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन टी ज़ीरो से एक्स, यहाँ तक भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। नाउ जरा देखो, ये मेरे को मिल रहा है एफ एक्स मिल रहा है, मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो एफ एक्स के लिए कर रहा हूँ, माइनस x रखो x cos x, 0 रखा तो 0 इंटू दिस 0 प्लस sin x, और 0 sin 0 कितना होता है 0, हटाओ यहाँ से, तो थोड़ा सिस्टम नहीं लिख देते हैं, fx मुझे कितना मिल रहा है माइनस x cos x प्लस sin x, सो दिस इज माई एफ एक्स, तो यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एफ डैश एक्स की, क्या मैं एफ डैश एक्स ला पाऊंगा, हाँ ला पाएंगे, चला देखो माइनस को रहने दो एज इट इज, एक प्रोडक्ट रूल, x बैठा cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, फिर cos x बैठा x का वन sin का हो जाएगा cos x, माइनस माइनस प्लस तो x sin x, माइनस प्लस माइनस cos x प्लस cos x का कैंसिलेशन हुआ तो x sin x, तो मुझे मिला एफ डैश एक्स। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपको डिफरेंशिएट भी करना है और यहाँ पे इंटीग्रेट भी करना है, तो कई बच्चे का जो सेक्शन वीक रहता है डिफरेंशिएट फॉर्मूले में वो कंफ्यूज होता है, बहुत होता है भाई, 40-50% बच्चे लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि सर मुझे दिक्कत आ रही है कि इंटीग्रेशन फॉर्मूला कौन सा है डिफरेंशिएट कौन सा है, तो ध्यान रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो ऑप्शन कौन सा बेटर है, बी ऑप्शन, तो ऑप्शन बी, क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, सो आई होप सो गाइस एक्सरसाइज 7.10 आपको क्लियर हो गई होगी, सो दिस वाज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन एंड नॉर्मल इंटीग्रेशन जहाँ पे मुझे लिमिट्स रखनी है। नाउ वी विल स्टार्ट 7.11 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है यहाँ पे डेफिनेट में अगर आता है तो वहाँ से क्वेश्चन 101% श्योर आएगा, वहाँ से 1 मार्क्स भी बनेगा एंड 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का सेक्शन डी का क्वेश्चन भी बनेगा, सो अपन उस पर बाद में बात करेंगे, सो यहाँ तक पॉज करें एंड नोट करें गाइस, सो एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे सारे लिंक दे रखे हैं चैप्टर वाइज, सो गाइज एंड वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें, थैंक यू बच्चों।